Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Hindustan Paper Corporation mills shutting down in Assam, and this topic is important from our syllabus paper 6, Assam economy point of view. तो सबसे पहले समझते हैं कि करंट न्यूज है क्या. तो देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है कि हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन के जो दो मिल चल रहे हैं असम के अंदर, पहला मिल है नगांव पेपर मिल एट जागी रोड और दूसरा है कचार पेपर मिल एट पंचग्राम नियर सिलचर, इन दोनों मिल को लिक्विडेट कर दिया जाए. मतलब NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कहा है कि ये दोनों मिल हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन के, इनको बंद कर दिया जाए, लिक्विडेट कर दिया जाए. तो जरा समझते हैं लिक्विडेट करने का क्या मतलब होता है. लिक्विडेट करने का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के जो एसेट्स हैं, जैसे कि इसकी जो भी मशीन्स वगैरह हैं, उन एसेट्स को लेकर के बेचा जाए, ऑक्शन कराया जाए, और फिर उससे जो पैसा आता है उस पैसे की मदद से जिन जिन लोगों ने इस कंपनी को उधार दे रखा है उनके पैसे को चुकाया जाए. तो द ऑक्शन प्रोसेस इज डन इन अ लिक्विडेशन इन ऑर्डर टू रिटर्न द मनी ऑफ द क्रेडिटर्स. जनरली ये लिक्विडेशन प्रोसेस उस कंपनी के लिए लाया जाता है जो घाटे में चल रही है और जो अपने क्रेडिटर्स का पैसा चुका नहीं पा रही है, और यही हो रहा है इन दो पेपर मिल के साथ ऑफ हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन, और इसी कारण से इनको ऑक्शन के थ्रू इनको लिक्विडेट किया जा रहा है और इस जो पैसा जनरेट होगा उससे इनके देनदारों का पैसा चुकाया जाएगा. ये जो पूरा का पूरा लिक्विडेशन प्रोसेस है, दिस इज़ बीइंग कंडक्टेड अंडर इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ 2016. तो ये आर्टिकल मैंने इसलिए पिकअप किया है ताकि मैं आपको इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के बारे में समझा सकूँ. तो डिटेल में समझेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. उसके पहले एक बार ब्रीफली देख लीजिए कि ये जो दो मेजर मिल्स थे, पेपर मिल कचार पेपर मिल और नगांव पेपर मिल, ये 2017 से ही बंद हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए थे इन दोनों मिल को, और ये अपने इम्प्लॉयज़ तक को सैलरी नहीं दे पा रहे थे सिंस 2017, और फाइनली अब इनको पूरी तरह से वाइंड अप करने का फैसला ले लिया गया है. अब जरा देखते हैं कि जिस प्रोसेस के अंतर्गत इनको वाइंड अप किया गया है या लिक्विडेट किया गया है वो प्रोसेस क्या है. दैट प्रोसेस हैज़ बीन अडॉप्टेड अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ 2016. तो इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को समझने के लिए पहले हमें दो बेसिक टर्म समझने होंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इंसॉल्वेंसी क्या होती है. देखिए, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच डेटर इज अनेबल टू पे हिज डेट. मतलब जिसने भी उधार लिया है वो अपना पैसा, उधार का पैसा अब चुका नहीं पा रहा है, तो उसके इस स्टेटस को कहा जाता है इंसॉल्वेंसी का स्टेटस. फॉर एग्जांपल देखिए, ये इंसान है, मान लीजिए इसने जिससे भी उधार लिया था अब उस लोगों को ये पैसा चुका नहीं पा रहा है, तो दिस पर्सन विल बी नोन एज इंसॉल्वेंट. तो इंसॉल्वेंट आप समझिए कि एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटस है, आपने उधार लिया और आप पैसा चुका नहीं पा रहे, तो यू आर इंसॉल्वेंट. अब इंसॉल्वेंट इंसान क्या कर सकता है, ये कोर्ट जा सकता है और वहाँ पे ये अपील कर सकता है कि सर देखो मेरे पास अब पैसा नहीं है, मेरा जो भी बिजनेस था वो लॉस में चला गया है और इस कारण से मुझे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाए. तो अगर कोर्ट इस इंसान को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है तो उसके बाद होगा क्या कि कोर्ट जो बचा खुचा जो इसके कंपनी का एसेट है उसको लेगा, ऑक्शन कराएगा, बेचेगा, और जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे को इनके देनदारों को जिन्होंने भी इसको क्रेडिट दिया था उसको चुकाने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ इस इंसान को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगा. बैंकरप्ट एक लीगल प्रोसीडिंग है, लीगल स्टेटस है, लीगल प्रोसीडिंग के बाद मिलता है. बैंकरप्सी से होता क्या है कि अब उस इंसान के ऊपर कोई भी लीगल जिम्मेदारी नहीं है पैसा चुकाने की. अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि फ्यूचर में आपको कोई हरास नहीं कर सकता. अगर आप बैंकरप्ट अपने आप को डिक्लेयर करा ले कोर्ट से, उसके बाद कोई आपसे पैसे नहीं मांग सकता कि हमारे पैसे वापस करो. तो मान लीजिए मेरी कंपनी है ABC, मैंने 10 लोगों से उधार ले रखा है 1 करोड़ रुपये, और मैं उनको पैसा अब नहीं चुका पा रहा हूँ, मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, तो ये जो स्टेटस होगा वो होगा इंसॉल्वेंसी का स्टेटस. लेकिन उसके बाद अगर मैं बैंक चला जाऊँ, कोर्ट चला जाऊँ, और कोर्ट जा करके मैं
कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करूं कि सर मेरी कंपनी लॉस में जा चुकी है, मैं इस कंपनी को बंद कराना चाहता हूं और मुझे बैंकरप्ट आप डिक्लेयर कर दीजिए। तो अगर मुझे कोर्ट बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है तो मेरी कंपनी के सारे एसेट्स लेकर के जो भी पैसा मिलता है उनको बेचने के बाद उससे मेरे देनदारों को वो पैसा चुकाने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ मुझे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगा। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि अब फ्यूचर में मुझे कोई हरास नहीं कर सकता कि लाओ मेरे पैसे वापस करो। लेकिन नुकसान भी है बैंकरप्ट डिक्लेयर होने का, उसके बाद फ्यूचर में कभी आपको बैंक से लोन नहीं मिल सकता, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चैलेंजेस भी हैं बैंकरप्टसी डिक्लेयर करवाने में। अब ये जो बैंकरप्टसी का प्रोसेस है वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, या पार्टनरशिप कंपनी के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के लिए, पब्लिक इंटरप्राइज, सबके लिए ये बैंकरप्टसी का ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब वो कोर्ट में जाकर के अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करवा सकते हैं आफ्टर इंसॉल्वेंसी स्टेज। और इस पर्टिकुलर केस में ये जो हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन के जो दो मिल हैं नगांव और कचार वाले, इन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करा लिया है आफ्टर दैट दे हैव बीन शट डाउन। तो अब इनके एसेट्स को लिया जाएगा, बेचा जाएगा और जो भी इनके देनदार हैं उनको पैसे चुकाने की कोशिश की जाएगी। सो दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल इंसॉल्वेंसी दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटस, वंस द पर्सन मूव्स टू द कोर्ट माइट गिव हिम अ स्टेटस और अ टैग दैट विल बी नोन एज बैंकरप्सी टैग। दोनों का मतलब एक ही है, किसी इंसान के पास पैसा नहीं है अपने देनदारों के लिए चुकाने का, लेकिन एक होगा फाइनेंशियल स्टेटस, दूसरा होगा लीगल स्टेटस। आप जरा समझते हैं कि ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड एग्जैक्टली काम कैसे करेगा। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसकी कंपनी है ए और इसने कई सारे लोगों से उधार ले रखा है इस कंपनी को चलाने के लिए, और अगर ये इंसान अब इन लोगों के पैसे चुका नहीं पा रहा है, इसकी कंपनी मान लीजिए लॉस में है, तो दिस पर्सन विल बी नोन एज इंसॉल्वेंट। अब ये इंसॉल्वेंट होने के बाद ये कहाँ जाएगा? कोर्ट। कोर्ट में जाकर के क्लेम करेगा कि सर मैं अब पैसा नहीं चुका सकता, तो कोर्ट इसके एसेट्स को जब्त कर लेगा, कोर्ट इसके एसेट्स को ले लेगा, उसको बेचेगा, ऑक्शन कराएगा और इनके लोन को चुकाने की कोशिश करेगा जितना हो सके। ये भी संभव है कि इसने 1 करोड़ का लोन लिया था लेकिन इसके एसेट को बेचने के बाद 50 लाख रुपए ही मिले, तो इनको बस 50 लाख रुपए वापस किए जाएंगे, बाकी का लॉस इनको झेलना पड़ेगा 50 लाख रुपए का। तो जितना पैसा हो सके उतना पैसा वापस कोर्ट दिलाने की कोशिश करेगा और उसके बाद इस इंसान को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये था प्रोसेस इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में लाने से पहले पहले तक, कि इस तरीके से कोई भी कंपनी अगर घाटे में जाती थी तो उसके देनदारों का पैसा ऐसे चुकाया जाता था। नॉर्मल कोर्ट में जाते थे लोग और इसको बैंकरप्ट डिक्लेयर करा के इसके एसेट्स को बेच करके पैसा चुकाया जाता था, लेकिन यह प्रोसेस बहुत लेंदी हुआ करता था। आपको तो पता है कि हमारे कोर्ट्स में कितना डिले होता है, केसेस 10-10 साल तक चलते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस था कि कोर्ट में जाइए, बैंकरप्ट डिक्लेयर कराइए, फिर अपने एसेट्स को ऑक्शन कराइए, फिर देनदारों का पैसा चुकाइए, इसमें ऑन एन एवरेज एक केस को रिजॉल्व होने में 4.3 इयर्स लगते थे। और इतना लंबा समय तक आप समझिए कि एक कंपनी चल रही है जो घाटे में चल रही है, उसको 4.5 साल तक चलाया जा रहा है और उसके वाइंडिंग अप का मतलब उसको बंद करने का प्रोसेस 4.5 साल तक चल रहा है, तो इट लीड्स टू ए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ध्यान से समझिए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है क्या। मेरी कंपनी घाटे में जा रही है, मान लीजिए अब मुझे अपनी कंपनी को बंद करना है, तो मेरी कंपनी किसी ज़मीन पे होगी, कुछ बिल्डिंग में चल रही होगी, मैंने 10-20 लोगों को एम्प्लॉय रख रखा होगा, हायर कर रखा होगा, अब मुझे इस कंपनी को बंद करना है, तो मुझे बंद करते करते में 4.5 साल लग जाते हैं। तो उन 4.5 साल तक वो ज़मीन, वो बिल्डिंग, वो एम्प्लॉयज़, वो मशीन्स सब इसी ऑफिस के लिए, इसी बिजनेस में अभी तक इंगेज्ड हैं, जो एक नॉन प्रोडक्टिव बिजनेस है जो अब बंद होने वाला है। तो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी खाली करा दिया जाता, अगर इन एम्प्लॉयज़ को किसी और काम में लगा दिया जाता, तो जिससे जो काम इफेक्टिव है, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जो बेनिफिशियल है, तो कहीं ना कहीं इन सारे रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल होता। सो द पॉइंट इज़ कि बिकॉज ऑफ इनऑर्डिनेट डिले ऑन एन एवरेज ऑफ 4.3 इयर्स इन कोर्ट, ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज होता था। और इसी को काम नाम दिया था इकोनॉमिक सर्वे 2015 ने चक्रव्यूह चैलेंज। चक्रव्यूह में जैसे अभिमन्यु बड़े आराम से घुस तो गए लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, ये वही वाला चक्रव्यूह है जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रहा है। इस इकोनॉमी के अंदर लोग आराम से बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, 1991 रिफॉर्म्स के बाद इट इज़ ईजी टू स्टार्ट ए बिजनेस बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वाइंड अप अ बिजनेस, बंद करना बड़ा मुश्किल है। आप बिजनेस आसान
आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बंद करके अपने देनदारों का पैसा चुका करके बाहर निकलना ये बड़ा कठिन है। कोर्ट का प्रोसेस जो होता है काफ़ी लेंदी होता है, और इसी को कहा गया चक्रव्यूह चैलेंज। इस चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी के कारण हमारे कई सारे जो फैक्टर्स हैं और प्रोडक्शन, कई सारे हमारे रिसोर्सेज हैं वो ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल है एयर इंडिया। अब एयर इंडिया घाटे में चल रही है, एयर इंडिया को सरकार सोच रही है कि या तो बेच दिया जाए नहीं तो बंद कर दिया जाए, जो भी है प्राइवेटाइज करने की वैसे तो बात चल रही है, इतने सालों से वो घाटे में चल रही है, बट फिर भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अपने एयरक्राफ्ट्स हैं, वो चल रहे हैं, बस किस जैसे तैसे लॉस बना करके भी चल रहे हैं। अगर इसको किसी प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस को दे दिया जाता ये सारे एम्प्लॉयज़, ये सारे एयरक्राफ्ट्स, तो उसको प्रॉफिटेबल तरीके से इस्तेमाल करते, तो दैट वुड हैव बीन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो आई होप यू आर क्लियर कि ये चक्रव्यूह चैलेंज है क्या। कोर्ट में अननेसेसरी डिले होने के कारण हमारी कंपनियां फंस जाती हैं और निकल नहीं पाती इस इकोनॉमी के साइकिल से। तो इस चक्रव्यूह चैलेंज को तोड़ने के लिए लाया गया इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है लिक्विडेशन प्रोसेस के डिले होने से, इट लीड्स टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक बिल्डिंग, वर्कर्स और कैपिटल्स, और इससे बैंक्स का भी एनपीए बढ़ता जाता है। बैंक्स ने मान लीजिए लोन दे रखा है, ये लोग कोई भी तो हो सकते हैं, ये तो बैंक भी हो सकता है। अब बैंक ने लोन दे रखा है इस कंपनी को, अब चार साल तक, साढ़े चार साल तक केस चल रहा है, साढ़े चार साल बाद पैसा चुकाया जाएगा, तो नेचुरली इट विल लीड टू इंक्रीजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द बैंक। सो ऑल दी चैलेंजेस वी आर बींग फेस्ड बिकॉज ऑफ इनऑर्डिनेट डिले इन लिक्विडेशन प्रोसेस, और इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फिर लाया गया इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। अब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में बस दो ही चीज़ें की गई हैं, अगर आपको एकदम आराम से समझना है बिना किसी टेंशन के, तो आप समझिए कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में दो ही चीज़ें की गई हैं बस। एक तो इस कोड के जगह पे एक स्पेशल बॉडी बना दी गई है, एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया गया जहाँ पे इंसान जाए, क्योंकि कोर्ट में जाएगा तो बहुत वक्त लगेगा, तो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया गया जिसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है किसी कंपनी के लिए, अगर कोई कंपनी घाटे में जा रही है, कॉर्पोरेट घाटे में जा रहा है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर कोई इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो घाटे में जा रहा है, तो उसके लिए है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स हैं मतलब सरल शब्दों में कहें तो कोर्ट के जगह पे एक स्पेशल बॉडी बना दी गई है जहां पे इंसान जाए। वो स्पेशल बॉडी इसलिए बनाई गई है ताकि वो स्पेशल बॉडी टाइम बाउंड फैशन में अपना काम कर सके। कोर्ट से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो टाइम बाउंड फैशन में अपना केस का निपटारा कर सकता है बिकॉज ऑफ ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो इस केस में होगा क्या कि दीज क्रेडिटर्स जिन्होंने भी लोन दिया है या फिर ये जो बैंकरप्ट इंसान है, इन दोनों में से कोई भी जा सकता है कोर्ट के पास, ये स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाने के बाद ये जो है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इन लोगों ने लोन दिया है एक कंपनी को और अब इन लोगों का पैसा इनको वापस नहीं मिल रहा है, तो दे कैन मूव टू दिस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अगेंस्ट दैट कंपनी। मान लीजिए उस कंपनी का नाम है कंपनी ए, तो उस कंपनी के खिलाफ ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं कि भाई हमारा ये पैसा वापस नहीं कर रही है कंपनी। तो एक बार जब ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे ये लोग, तो उसके बाद ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उस कंपनी को 10 दिनों का मोहलत देगा। जैसे इस केस में ये लोग चले जाएंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इस इंसान को 10 दिन का मोहलत देगा, टाइम देगा कि इनके पैसे वापस करो, और 10 दिन तक अगर ये पैसा वापस नहीं कर पाता है तो फिर रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब लिक्विडेशन या रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्या है जरा ध्यान से समझिए, देखिए कंपनी ये है, फिर से समझिए, ये इसका मालिक है, ओनर है, ये कंपनी चला रहा है, इन लोगों ने इसको पैसे दिए थे, इसमें से कुछ लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जैसे बैंक वगैरह, कुछ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, इन्होंने इसको पैसे दिए थे। अब ये कंपनी या ओनर पैसा इनका नहीं चुका पा रहा है, अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जाएंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास कि सर ये हमारा पैसा नहीं चुका रहा है, काफ़ी देर हो गए, ये जो इंटरेस्ट अमाउंट नहीं आया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसको 10 दिन का मोहलत देगा और उसके बाद इसके एसेट्स को जब्त कर लेगा, और एसेट को जब्त करके फिर इनके हवाले कर देगा कि भाई अब आप इसको कंट्रोल करो और अब आप देखो कि क्या करना है इसका, और इस इंसान को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अब इसको फ्री कर दिया गया, इसका कोई हेडेक नहीं है, इसके एसेट्स को लेकर के इन लोगों को दे दिया गया, क्रेडिटर्स को दे दिया गया, और इसका पूरा का पूरा कंट्रोल अब इनके हाथ में चला जाता है। और ये लोग जो हैं, जिसको इन जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पहले कंपनी को पैसा दिया था, इनको कहा जाएगा क्रेडिटर्स कमिटी,
क्रेडिटर्स कमेटी वो लोग हैं जिन्होंने लोन दिया था कंपनी को, मिनिमम 66% लोन देने वाले लोगों का कम से कम ग्रुप होना चाहिए जिनको मिलाकर के क्रेडिटर्स कमेटी होगी। मान लीजिए कि इस कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का लोन है तो कम से कम 66 करोड़ से ज़्यादा लोन देने वाले, क्योंकि एक आदमी तो लोन देगा नहीं ना, किसी ने 2 करोड़ दिया होगा, किसी ने 4 करोड़ दिया होगा, तो टोटल कम से कम इतने लोग मिलाकर के आए जिनका टोटल लोन अमाउंट 66% से ज़्यादा है, वो लोग मिलकर के आकर के क्रेडिटर्स कमेटी बनाएंगे और क्रेडिटर्स कमेटी के हाथ में इस कंपनी का पूरा पूरा कंट्रोल दे दिया जाएगा। इस क्रेडिटर कमेटी को अब जिम्मेदारी दी गई है कि अब आप फैसला कीजिए कि आपको इस कंपनी को रिवाइव करना है, वापस से चलाना है अपने हाथ में रख के प्रॉफिटेबल तरीके से। हो सकता है कि ये इंसान ठीक से ना चला पा रहा हो, ये विजय माल्या टाइप आदमी हो जिसको बिजनेस करना ना आता हो, इसके अलग ही डिस्ट्रैक्शंस हो, तो हो सकता है कि क्रिएटर्स कमेटी इसकी कंपनी को ले ले और उसको रिवाइव कर दे और ठीक से चलाने लगे, और ठीक से चलाने के बाद उसको और महंगे दामों में किसी को बेच करके और अपना पूरा पूरा पैसा चुका निकाल ले। एक तरीका तो ये हो सकता है, या फिर क्रिएटर्स कमेटी ये भी फैसला ले सकती है कि हम इस कंपनी को लिक्विडेट करेंगे, बंद करेंगे। लिक्विडेट मतलब इस कंपनी के एसेट्स को बेचेंगे और उससे जो भी पैसा आएगा उससे हम अपना जो भी लॉस है उसको मेकअप करेंगे। तो इन दोनों में से कोई एक फैसला इनको लेना है क्रिएटर्स कमेटी को, और फिर इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर देना है। तो दैट इज द नोन एज दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब इसमें और पहले वाले सिस्टम में दो ही मेन अंतर हैं। पहला, अब कोर्ट में न जाकर के आपको एक स्पेशल बॉडी में जाना है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, और पहले कोर्ट के अंदर कोई टाइम लिमिटेशन नहीं था, लेकिन अब एक टाइम लिमिटेशन दे दिया गया है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो 180 दिनों में ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब नोटिस देने से लेकर के फिर क्रिएटर्स कमेटी बनाने से लेकर के क्रिएटर्स कमेटी का फैसला कि इसको रिवाइव करना है कि लिक्विडेट करना है, ये फैसला सब कुछ 180 दिनों में हो जाना चाहिए। वो बात अलग है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 90 डेज का ग्रेस पीरियड भी दे सकती है, मतलब मैक्सिमम 270 दिनों में केस खत्म हो जाना चाहिए। पहले कितना लगता था? 4.3 इयर्स, अब कितना लगेगा? 270 डेज, मतलब समवेयर क्लोज टू 9 मंथ्स। तो कितना अंतर आ गया आप सोचिए, यानी कि लिक्विडेशन प्रोसेस कितना फास्ट हो गया है। आप सरल शब्दों में समझे तो ये जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है ये हमारे इकोनॉमी के चैलेंज चक्रव्यूह चैलेंज को तोड़ने के लिए लाया गया है कि अगर हम अगर बिजनेस में घुस गए और नहीं कर पा रहे तो उस बिजनेस को बंद करके जल्दी जल्दी बाहर निकलने का मौका हमें मिलना चाहिए। तो ये तो है, 180 दिनों का हमें टाइम पीरियड दिया जाता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट रिजोल्यूशन विद 90 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड। अगर कोई छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, एमएसएमई है, तो इसके लिए फिर 90 डेज में इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, लिक्विडेशन प्रोसेस को या रिवाइवल प्रोसेस को, और इस केस में जो छोटी कंपनी के केस में 90 डेज के अंदर कंप्लीट करना है विथ 45 डेज ग्रेस पीरियड। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें इनको क्रेडिटर्स कमेटी को दे दिया जाता है कंट्रोल कि आप या तो इस कंपनी को रिवाइव कीजिए, नहीं तो इस कंपनी को बेच दीजिए और अपने पैसे निकाल लीजिए, ये पूरे प्रोसेस में इन लोगों को हेल्प करने के लिए एक स्पेशल तरीके के प्रोफेशनल बॉडी बनाई गई है, जिन प्रोफेशनल बॉडी को कहा जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हमारे देश में फाइनेंशियल सेक्टर के अलग अलग फील्ड प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, वैसे ही ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे जिनका मेन काम होगा कि जब भी कोई लिक्विडेशन प्रोसेस तो क्रेडिटर्स कमेटी के लोगों को मदद करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स कमेटी के लोगों को एग्जैक्टली इनकी मतलब प्रोफिशिएंसी नहीं है ना, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड इन दिस डायरेक्शन कि कैसे किसी बिजनेस को रिवाइव किया जाए या कैसे लिक्विडेट किया जाए। तो उसमें ये जो प्रोफेशनल्स हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, वो इन क्रेडिटर्स कमेटी की मदद करेंगे। अब जैसा कि हम पेपर इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, पेपर इंडस्ट्री ये जो दो पेपर मिल हैं हमारे असम के अंदर, उनको बंद किया जा रहा है, बिलोंगिंग टू हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन। तो ब्रीफली जरा पेपर इंडस्ट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारे देश के तीन जो मेजर पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं महाराष्ट्र, जो हमारे देश का लगभग 16.52% पेपर प्रोड्यूस करता है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है जो 13% के अबाउट पेपर प्रोड्यूस करता है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। तो इन जनरल असम के अंदर पेपर वैसे भी कम प्रोड्यूस होता था पहले भी, टॉप तीन स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अब क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है पेपर इंडस्ट्री? पेपर इंडस्ट्री पूरे इंडिया में ही स्लो डाउन फेस कर रहा है, ऐसा नहीं कि बस असम वाला पेपर इंडस्ट्री लॉस में है, पूरे इंडिया के जो पेपर इंडस्ट्री हैं वो लॉस फेस कर रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। आपको तो पता है कि पेपर इंडस्ट्री के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, और जो फॉरेस्ट होते हैं, जो टिम्बर होते हैं, उसका पल्प से पेपर बनता है, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की कटिंग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ले लिया है सरकार ने, फॉरेस्ट को काटने पे बहुत ज्यादा लिमिटेशंस लगाती है, और इस कारण से रॉ मटेरियल ठीक से मिल नहीं पाते हैं पेपर इंडस्ट्री को, और इस कारण से पेपर इंडस्ट्री एक चैलेंज फेस कर रही है। रॉ मटेरियल महंगा हो गया, इस कारण से उनके प्रोडक्ट भी महंगे हो रहे हैं, और इस कारण से लोग खरीदना नहीं चाहते हैं।
कंपटीशन बढ़ गया है पेपर इंडस्ट्री का फ्रॉम इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स। तो इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स में खासकर कनाडा बेस्ड जो प्रोड्यूसर्स होते हैं पेपर के, दे आर वेरी एफिशिएंट एंड चीप एज वेल, और इस कारण से हमारे देश के जो पेपर इंडस्ट्री हैं उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, पेपर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई चाहिए और इस कारण से उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो कॉमर्शियल कॉस्ट है पावर सप्लाई का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्यों पेपर इंडस्ट्री अलग अलग जगहों पे बंद हो रहे हैं इंक्लूडिंग असम, वो है डिजिटल एज। आज के टाइम में पेपर का इस्तेमाल ही कम हो रहा है। आप देखिए, आज से 2-3 साल पहले तक आप एयरपोर्ट पे जाते थे तो टिकट आप प्रिंटेड फॉर्मेट में लेते थे, आप ट्रेन में जाते थे तो टिकट प्रिंटेड फॉर्मेट में लेते थे। आजकल हर चीज़ फ़ोन में चलता है, डिजिटली चल रहा है, तो मतलब पेपर का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। और यही कारण है कि पेपर इंडस्ट्री जो है वो थ्रेट महसूस कर रही है, क्योंकि डिमांड कम हो गया है। सो ऑल दी चैलेंजेस हैव लेड टू शट डाउन ऑफ मेनी पेपर इंडस्ट्रीज अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग टू पेपर मिल्स इन असम। अब इस आर्टिकल में क्या बातें की गई हैं वो जरा समझते हैं। देखिए, इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो दो पेपर मिल असम के अंदर बंद किए जा रहे हैं बिलोंगिंग टू हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन, ये कुछ चीज़ें इंडिकेट करता है। व्हाट दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट ऑफ असम इज़ नॉट कमिटेड टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल रिवाइवल इन द स्टेट। तो मतलब ये साफ साफ कह रहे हैं कि असम सरकार खाली कहती है कि हमें अपने स्टेट के अंदर इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करना है, लेकिन इट इज़ नॉट सीरियस और नॉट कमिटेड टुवर्ड्स रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्रीज इन असम। और ये जो बातें कहते रहते हैं ये लोग कि हमें इंडस्ट्री को डेवलप करना है, इट इज़ जस्ट ए पॉलिटिकल गिमिक, मतलब ये खाली वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। और सरकार जो है इट इज़ नॉट डूइंग इनफ एफर्ट्स, इट इज़ नॉट मेकिंग इनफ एफर्ट्स टू ब्रिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर वो कोशिश करती, सच में वो सीरियस होती इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जो ऑलरेडी दो हमारे यहाँ पे पेपर मिल चल रहे हैं उनको बंद होने नहीं देती, ये आर्गूमेंट लिखा हुआ है। दूसरा ये भी लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती तो है कि नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, असम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, बट इट इज़ नॉट मोर देन लिप सर्विस, ये खाली बोलते हैं, दे एक्चुअली डोंट मीन इट, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। तो अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये जो आर्टिकल है ये पूरी तरह से सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, चाहे असम सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन लोगों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अदरवाइज ये पेपर मिल ये क्यों बंद होने देते। लेकिन अगर इस पर आप मेरा ओपिनियन देखिए, ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी ज़्यादा बायस तरीके से लिखा हुआ है जैसा मुझे लगता है। तो अगर आप इन जनरल, मैं कभी भी किसी आर्टिकल में अपना ओपिनियन शेयर नहीं करता, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे अपना ओपिनियन शेयर करना चाहिए, ये आर्टिकल मुझे थोड़ा बायस्ड लगा। देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई सिक इंडस्ट्री है, कोई पुअर परफॉर्मिंग इंडस्ट्री है, उसको भी जैसे तैसे सरकार पैसा दे करके चलाती रहे, दैट इज़ नोन एज पुटिंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी। अगर कोई इंडस्ट्री खराब परफॉर्म कर रही है जिसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो उस इंडस्ट्री को ज़बरदस्ती हम क्यों जिंदा रखें। अब पेपर की ज़रूरतें कम पड़ रही हैं तो क्यों हम पेपर की इंडस्ट्री को फिर भी जिंदा रखें इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दैट वॉन्ट बी ए विजनरी अप्रोच। तो इस कारण से इस पेपर मिल को बंद किया जा रहा है। अगर हम इनफिशियंट सिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करते हैं, जैसे तैसे भी उनको बेल आउट कराते हैं, उनको स्टिमुलस देते हैं जिंदा रहने के लिए, तो वी विल सपोर्ट द चक्रव्यूह चैलेंज, चक्रव्यूह चैलेंज को और ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे और हमारे देश के अंदर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका और ज़्यादा मिसयूज, या आप समझिए अंडर यूज होता रहेगा, एंड दे विल कीप इंगेज इन लो एफिशियंसी एक्टिविटीज़। और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान्स होने चाहिए वो फ्यूचरिस्टिक होने चाहिए और वो जो फ्यूचर के डिमांड्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए। अगर पेपर इंडस्ट्री बंद हो रही है तो होने दीजिए, आप फोकस कीजिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आप अपने स्टेट असम के अंदर मोबाइल फोन्स का ले आइए, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने के लिए कोई इंडस्ट्रीज को इन्वाइट कीजिए। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं, टाइपराइटर्स की जरूरत नहीं है, फिर भी टाइपराइटर की इंडस्ट्री हम लेकर के असम में और बोले कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है, दैट वॉन्ट बी ए वाइज अप्रोच। तो दैट्स वाई आई फील कि ये जो हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन मिल बंद हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग मोर डिजिटल। ऐसे टाइम में ये पेपर मिल्स को बंद होना ही था, और इसके लिए सरकार को क्रिटिसाइज करना है कि द गवर्नमेंट इज नॉट कमिटेड रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नॉट जस्टिफाइबल। तो ये तो रहा मेरा ओपिनियन, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू पीपल एज वेल कि आपको क्या लगता है, क्या सच में आपको अभी भी लगता है कि सरकार जो है वो कमिटेड नहीं है, ये पेपर मिल को बंद नहीं होने देना चाहिए था। तो ये अगर आपको ऐसा लगता है कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिख के मुझे शेयर कर सकते हैं।
The next article is taken from international segment. It is about global minimum corporate tax. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सो इस आर्टिकल को समझने से पहले एक केस स्टडी देखते हैं जिससे इस आर्टिकल के बारे में और क्लैरिटी आ जाएगी. देखिए, एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, आप सब जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे. ये कंपनी इंडिया में स्टार्ट हुई, बैंगलोर के अंदर इसको रजिस्टर किया गया 2007 में. आफ्टर 4 ईयर्स दिस कंपनी शिफ्टेड टू सिंगापुर. तो इसने अपने आप को सिंगापुर बेस्ड कंपनी बना लिया, सिंगापुर में अपने आप को रजिस्टर करा लिया इन 2011. अब सवाल ये उठता है कि इसने अपने आप को सिंगापुर में रजिस्टर क्यों कराया, व्हाई फ्लिपकार्ट शिफ्टेड टू सिंगापुर. तो अगर मेन रीजन देखा जाए इसके सिंगापुर में शिफ्ट होने के पीछे, तो वो है कि इंडिया के अंदर इसको 34% के आसपास कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ रहा था, जबकि सिंगापुर के अंदर इसको बस 17% कॉरपोरेट टैक्स देना होगा. बाकी भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे सिंगापुर इज पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सिंगापुर इज बेटर देन इंडिया. लेकिन मेन फैक्टर जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मानते हैं वो है द टैक्सेशन रेट. और फ्लिपकार्ट का तो मैंने बस एग्जाम्पल लिया है, ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो खासकर टेक कंपनियां होती हैं, डिजिटल बेस्ड कंपनियां होती हैं, वैसे देशों में जाकर के अपने आप को रजिस्टर कराती हैं जहां पे टैक्स रेट बहुत कम है. इससे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, बहुत कम टैक्स देना पड़ता है. एंड दिस गिव्स राइज टू अ कॉन्सेप्ट नोन एज टैक्स हेवन्स. टैक्स हेवन क्या होते हैं? टैक्स हेवन आर जनरली दोज कंट्रीज दैट ऑफर फॉरेन इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस लिटिल और नो टैक्स लाइबिलिटी. तो देखिए इसका मतलब समझेंगे, पहले ये देखिए, कई सारे देश हैं जैसे केमन आइलैंड, कोस्टा रिका, बरमूडा, यहाँ पे आप देखिए मॉरिशस, यहाँ इवन सिंगापुर, हांगकॉन्ग, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, दीज प्लेसेज आर नोन एज टैक्स हेवेंस, क्योंकि यहाँ पे जो सरकारें हैं बहुत कम टैक्स लेती हैं कॉरपोरेट से. तो दुनिया के कई सारे जो मेजर कंपनीज हैं, इनफैक्ट जो टॉप 500 कंपनियां जिनको फॉर्च्यून 500 कंपनियां कहते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रजिस्टर्ड इन दीज कंट्रीज. इससे होता क्या है कि टेक्निकली जहां पे वो रजिस्टर्ड हैं वहां की सरकार के इनको इनको टैक्स देना है, और वहां की सरकार बहुत कम टैक्स रखती है, 5%, 7%, 10%, और आराम से ये लोग वहां पे टैक्स भर देते हैं और बिजनेस करते हैं पूरे दुनिया भर में. अब ये लोगों का तो डिजिटल बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक समझ लीजिए या गूगल समझ लीजिए या फिर फ्लिपकार्ट समझ लीजिए, जितने भी इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले हैं उनका तो कोई स्पेशल लोकेशन है नहीं जहां से वो बिजनेस कर रहे हैं. तो वो किसको टैक्स देंगे? जहां जिस देश में वो रजिस्टर्ड हैं, जिस देश में वो रजिस्टर्ड है उस देश की सरकार को वो टैक्स देंगे. और उस देश की सरकार जो है अगर बहुत कम टैक्स कर दे तो नेचुरली दीज कंपनीज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज गवर्नमेंट्स वेयर टैक्स इज वेरी लो, एंड सच गवर्नमेंट और सच रिजाइम्स आर नोन एज टैक्स हैवेंस. अब आप सोचेंगे सर ये लोग इतना टैक्स कम क्यों रखते हैं? तो आप सोचो ये बरमूडा ये सोचेगा कि अगर मैं अपने यहाँ पे 5% टैक्स रख दूँ तो कई सारी कंपनियाँ मेरे यहाँ आकर के रजिस्टर हो सकती हैं, अगर मैं नॉर्मली 15%, 20% रखूँगा तो कोई नहीं आएगा हमारे यहाँ पे, तो जो भी 5% मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा. तो ये जो छोटी इकोनॉमीज हैं इनके कमाई का एक अच्छा जरिया हो गया है, अपने यहाँ पे टैक्स रेट को बहुत कम कर दो, 2%, 4% ऑफर करो और अपने आप विदेशी कंपनी आएंगी वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराएंगी, तो जो ही मिल जाए 2%, 4%, अदरवाइज तो वो भी नहीं मिलेगा. सो दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स हेवेंस हैव कम अप. दीज कंपनीज प्रोवाइड अ काइंड ऑफ बेसिस फॉर द मेजर कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड टू डू टैक्स इवेजन, अपने टैक्स को बचाने का एक अच्छा जरिया प्रोवाइड करते हैं ये लोकेशन जिनको हम टैक्स हेवेंस कहते हैं. और दुनिया के ज़्यादातर टॉप कंपनियां यहाँ इन जगहों पर जाकर रजिस्टर हो जाती हैं. इसमें दिक्कत क्या है? व्हाट इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सच टैक्स हेवेंस? इससे होता क्या है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में जहाँ पर बिजनेस होता है उन देशों को टैक्स ना मिल करके इन छोटे छोटे टैक्स हेवेंस को टैक्स मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ लोग हमारे देश में फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और टैक्स किसको जा रहा है? सिंगापुर को. सो डोंट यू थिंक दैट दिस इज अनफेयर? इतने सारे लोग फ्लिपकार्ट का यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं और टैक्स फ्लिपकार्ट किसको दे रहा है? सिंगापुर को. सो इन दैट वे जहां पे मेजर बिजनेस हो रहा है उस देश को तो फायदा हो ही नहीं रहा है. और इस तरह से जो देश दुनिया के जो मेजर कंट्रीज हैं डिस्पाइट बीइंग अ बेस फॉर प्रोवाइडिंग मेजर बिजनेसेस टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस और कॉरपोरेट्स दे आर नॉट गेटिंग टैक्स फ्रॉम दीज कॉरपोरेट्स. सो इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हाल फिलहाल में G7 कंट्रीज की जो मीटिंग हुई है उसमें उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने एक रिजोल्यूशन लाया है टू ब्रिंग डाउन द टैक्स अंडर कटिंग्स
ड्यू टू टैक्स हैवेंस। तो टैक्स अंडर कटिंग का मतलब यही होता है कि ये टैक्स हैवेंस के कारण जो बाकी पूरे दुनिया भर को जो टैक्स का नुकसान हो रहा है उसको कहा जाता है टैक्स अंडर कटिंग। और इस टैक्स अंडर कटिंग को कैसे अवॉइड किया जाए उसको लेकर के G7 कंट्रीज ने एक रिजोल्यूशन पास किया है। तो क्या है ये रिजोल्यूशन जरा समझते हैं। इसमें दो मेन बातें की गई हैं। सबसे पहले कहा गया है कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे जो कंपनी जिस एरिया में ज्यादातर बिजनेस कर रही है वो वहीं पे अपना टैक्स दे। फॉर एग्जांपल अगर ये फ्लिपकार्ट इंडिया में से ज्यादा बिजनेस कर रहा है तो इंडियन सरकार को टैक्स दे। सो सच मेजर्स विल बी ब्रॉट इन दैट रिगार्ड। दैट मींस मेजर्स टू मेक कंपनीज पे इन द कंट्रीज वेयर दे डू बिजनेस नॉट वेयर दे आर रजिस्टर्ड। अदरवाइज जाकर के ये लोग बहामा में रजिस्टर हो जाते हैं और पूरे दुनिया भर में ट्रेड करते हैं और बहामा सरकार को दो चार कुछ रुपए दे देंगे, मतलब आप समझो पेनीज दे देंगे, पीनट्स दे देंगे, बहामा सरकार भी खुश, ये कंपनियां भी खुश और जो दुनिया के मेजर कंट्रीज हैं उनको नुकसान। तो आप कुछ इस तरह का तरीका लाया जाएगा दैट इन दैट वे दे विल बी पेइंग बिजनेस इन द एरियाज, दे विल बी पेइंग टैक्सेज इन द एरियाज वेयर दे डू बिजनेस। और दूसरा ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स 15% फिक्स किया जाएगा कि दुनिया की कोई सी भी ऐसी देश 15% से कम कॉरपोरेट टैक्स ऑफर ना कर पाए, ये एक बेसिक नियम लाया जाएगा। क्या बहामाज भी हो तो ये नहीं कहेगा कि भाई हमें 2% दे दो, बर्मुडा कहे हमें 3% दे दो, ना 15% से कम नहीं कहीं पे देना है। तो ये कॉन्सेप्ट्स लाने की कोशिश की जा रही है ऑन G7 प्लेटफॉर्म। इससे होगा क्या कि मान लो कि बहामा बर्मुडा मांग रहे हैं 15%, बेसिक मिनिमम 15% होगा तो 15 मांगेंगे और इंडिया मांग रहा है 20-22, तो नेचुरली कंट्री जो है वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि ठीक है यार 7% ज़्यादा दे देंगे, लेकिन मेन लोकेशन पे रजिस्टर होते हैं। सो इस तरीके से टैक्स अंडर कटिंग को कुछ हद तक रोका जा सकता है। सवाल ये है कि क्या ये एप्लीकेबल हो गया है, ये जो दो फैसले लिए गए हाल फिलहाल में G7 में, हैज इट बीन एप्लीकेबल अक्रॉस द वर्ल्ड? तो आंसर इज नो, ये खाली प्रपोजल है। अभी G7 कंट्रीज ने आपस में एक दूसरे को कमिट किया है कि भाई हम लोग अपने आप पे किसी भी कॉरपोरेट को रजिस्टर नहीं करेंगे जो 15% से कम टैक्स दे, लेकिन दिस इज जस्ट अ प्रपोजल। अब इस प्रपोजल को G20 प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा, फ्यूचर में बात हो रही है कि इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस करके इसके लिए ग्लोबल कंसेंसस बनाया जाए। पूरे दुनिया भर में जब एक कंसेंसस बन जाएगा, मान लीजिए WTO प्लेटफॉर्म पे या मान लीजिए यूनाइटेड नेशंस पे, इस तरह से जब कंसेंसस बन जाएगा तब जाकर के ग्लोबली एप्लीकेबल हो पाएगा। अभी तो खाली ये प्रपोजल है और खाली G7 कंट्रीज में ये एप्लीकेबल हुआ है आफ्टर दिस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन। अब G7 कंट्रीज में वैसे भी कोई टैक्स हैवन नहीं है तो इसका कुछ खास फायदा है नहीं। G7 में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? जो दुनिया के मेजर इकोनॉमी जैसे फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड जापान, तो ये वैसे भी टैक्स हैवन नहीं था। अब इन्होंने अपने यहाँ पे मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स 15% करके भी क्या फायदा कर लिया, इससे तो ज़्यादा ही इनके यहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेबल है। सो द पॉइंट इज ये जो करंट रिजोल्यूशन है उससे अभी तक कुछ खास फायदा नहीं है, बट यस दे हैव introduced an concept, an idea, which if becomes universal, that means if it becomes applicable at global scale, then there will be substantial reduction in tax undercutting. अगर G7 की बात चली रही है तो ये भी जरा देख लो कि G7 grouping actually पहले G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में इससे रसिया को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि रसिया ने जब क्रीमिया को annex कर लिया था तो उसके बाद से यूक्रेन से जब क्रीमिया को इसने एनेक्स कर लिया था रसिया ने 2014 में, उसके बाद से रसिया को इससे बाहर निकाल दिया गया और G8 कंट्रीज घट करके हो गए G7। और G20 भी देख लीजिए, G20 ये कंट्रीज हैं। तो अगला जो ये प्रपोजल है इस टैक्स अंडर कटिंग को रोकने के लिए G20 पर रखा जाएगा, उसमें इंडिया भी एक मेंबर है। इस टॉपिक के बेसिस पर हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about Northeast Council. This topic is important from our syllabus, paper 3, Indian Polity Point of View. So, क्या है ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल? तो देखो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक स्टैचूटरी बॉडी, स्टैचूटरी बॉडी मतलब अ बॉडी दैट हैज बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू अ लॉ। उस लॉ का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। ये बॉडी क्या काम करती है? तो इट इज़ अ एपेक्स बॉडी, मतलब एक टॉप लेवल की बॉडी है दैट फोकसेज ऑन कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, कैसे इनके बीच में ज्वाइंट रूप से डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स लाया जाए, ये देखना काम है इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, जो कि एक स्टैचूटरी बॉडी है क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स हैं मेंबर? तो जो 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, दे आर मेंबर ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। इस नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में 2002 में एक अमेंडमेंट लाया गया था और उस अमेंडमेंट में एक स्पेशल बात लिखी गई।
उसमें बात लिखी गई कि जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है इसका मेन काम है टू एक्ट एज ए रीजनल प्लानिंग बॉडी। तो इस एरिया में किस तरह से डेवलपमेंट लाया जाए उसकी प्लानिंग करने का मेन काम होगा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का। और जो भी प्लानिंग होगी इस नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में वो जनरली दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को मिला करके एक साथ होगी। मतलब नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में बात होगी तो किसी एक स्टेट के लिए बात नहीं होगी, आसाम के लिए, मेघालय के लिए से, या मिजोरम के लिए बात नहीं होगी। कोई भी प्रोजेक्ट लाया जाएगा तो देखा जाए कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए एप्लीकेबल होए, तब जाकर के वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में उस प्रपोजल को लिया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा और फाइनलाइज किया जाएगा कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, एक्सेप्ट फॉर सिक्किम। तो इस बात को ध्यान से समझिए, जो 2002 का अमेंडमेंट लाया गया उसमें बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में कॉमन प्रोग्राम्स लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अरुणाचल, असम, नागालैंड का कोई प्रोग्राम है तो वो लिया जाएगा, मणिपुर, मिजोरम का कोई प्रोग्राम है तो उस पर डिस्कशन किया जाएगा, उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जाएगी। लेकिन सिक्किम के केस में एक्सेप्शन बना दिया गया कि कोई ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ सिक्किम के लिए एप्लीकेबल है तो भी उसको नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में लिया जा सकता है। सो सिक्किम को इसलिए ले लिया गया क्योंकि सिक्किम थोड़ा सा इनसे अलग है, थोड़ा ज्योग्राफिकली सेपरेटेड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल हैज बीन मैंडेटेड टू फंक्शन एज ए रीजनल प्लानिंग बॉडी, गिव प्रायोरिटी टू द स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स बेनिफिटिंग टू और मोर स्टेट्स, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ सिक्किम द काउंसिल्स आर फॉर्मुलेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स फॉर दैट स्टेट ओनली। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की अगर बात की जाए तो इसका सेक्रेटेरिएट है शिलोंग के अंदर, हो सकता है पीटी में पूछ ले, एपीएससी में ध्यान रखना। अब नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के मेंबर्स की अगर बात की जाए तो इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, जो अभी के लिए अमित शाह जी हैं। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो मिनिस्टर होते हैं, जो कि उनको एक मिनिस्टर ऑफ स्टेटस का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का लेवल मिला हुआ है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के जो मिनिस्टर हैं ही एक्ट एज वाइस चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। उसके अलावा जो बाकी आठ स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके सारे के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स टुगेदर आर मेंबर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की 69th मीटिंग हुई थी इस साल जनवरी में, जनवरी 2021 में 69th मीटिंग हुई थी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की, और उसको चेयर किया था हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। और अमित शाह जी ने एक स्पेशल बात कही थी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इन सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हमें 15th अगस्त 2022 तक पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। 15th अगस्त 2022 का क्या सिग्निफिकेंस है? इट विल बी 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे। तो बोले अगले साल तक यार ये जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो 2022 के 15 अगस्त तक ख़त्म कर लेते हैं, 75वें सालगिरह पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं रहना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और एक्चुअल में हो क्या रहा, इस आर्टिकल में क्या लिखा है कि अमित शाह जी ने 69th नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में टारगेट सेट किया कि 15th अगस्त 2022 तक सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि डिस्प्यूट्स और भी बढ़ गए हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि कैसे असम नागालैंड बॉर्डर पे फायरिंग हो गई थी एक असम के एमएलए के ऊपर। अब देखिए आज भी आर्टिकल आया कि असम मिजोरम बॉर्डर टेंस अगेन, इस तरह के आर्टिकल रोज ही आ रहे हैं, कभी असम मणिपुर बॉर्डर पे, कभी असम मिजोरम बॉर्डर पे, कभी असम अरुणाचल बॉर्डर पे, कभी असम मेघालय बॉर्डर पे, कुछ ना कुछ टेंशंस हो रहे हैं। तो जिस तरह का हमने टारगेट सेट किया था एक्चुअल डेवलपमेंट बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट 6th नेशनल पार्क ऑफ असम, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या है ये न्यूज सबसे पहले समझते हैं। देखिए जो डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही बताया था कि 5th जून इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, और इस अवसर पे हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा साहब ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया है एज 6th नेशनल पार्क ऑफ असम। ये जो रायमोना नेशनल पार्क है जो पहले रिजर्व फॉरेस्ट था, इट इज़ इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट अंडर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। तो यहाँ पे है रायमोना नेशनल पार्क बॉर्डरिंग भूटान। इसकी टोटल एरिया लगभग 422 स्क्वायर किलोमीटर है एंड इट कवर्स द नदर्न पार्ट ऑफ रिपू रिजर्व फॉरेस्ट। तो नदर्न पार्ट, रिपू रिजर्व फॉरेस्ट का नदर्न पार्ट में ये रायमोना नेशनल पार्क है जिसको 6th नेशनल पार्क बना दिया गया असम का। जो बाकी 5 नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं? मानस, ओरांग, काजीरंगा, नामेरी एंड डिब्रू सैखोवा। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि सर पिछले साल तो आप ही ने बताया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि देहिंग पटकाई को भी नेशनल पार्क बना दिया गया है। जुलाई 2020 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने भी कवर किया था कि देहिंग पटकाई विल बी 6th नेशनल पार्क, तो अब ये रायमोना कैसे 6th हो गया? तो देखो हुआ क्या कि देहिंग पटकाई को सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि इसको हम 6th नेशनल पार्क बनाएंगे, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज़ हैं नेशनल पार्क बनाने की वो फॉर्मेलिटीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है रिगार्डिंग देहिंग पटकाई।
और इसीलिए अब सिक्स्थ नेशनल पार्क रैमोना बन चुका है। देहिंग पटकाई के लिए जो प्रोसेस है वो अभी अभी ट्रांजिशन में है, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये रायमोना नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया एज आर नेशनल पार्क, सिक्स्थ नेशनल पार्क, उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे स्टेट के फॉरेस्ट मिनिस्टर परिमल शुक्ल बैद्या जी ने कहा कि देहिंग पटकाई को भी जल्दी से जल्दी नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो नेशनल पार्क में कन्वर्ट हुआ नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी डन इन कमिंग फ्यू मंथ्स। एक क्वेरी था कि सर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, तो यहाँ पे वो भी देख लेते हैं जरा सा। बीओडी के बारे में हमने बात की थी लास्ट न्यूज़ पेपर एनालिसिस में, तो देखिए बीओडी का पहले डेफिनेशन समझिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरियाज एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ह्यूमन वेस्ट मान लीजिए या फूड वेस्ट मान लीजिए, जो खाना पीना जो भी कचरा जो डिकम्पोज किया जा सकता है उनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट। ये ऑर्गेनिक वेस्ट इनको डिकम्पोज करने के लिए कौन काम करता है? बैक्टीरियाज, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी ऑर्गेनिक वेस्ट तो जाके पानी में मिल जाता है, आप तो देखते हैं कि कितने सारे सेप्टिक लैटरिंस का सीधा सीधा ड्रेनेज ओपन होता है पानी के अंदर। अब वो सब कैसे क्लियर होगा? पानी के अंदर तो वैसे पड़ा नहीं रहता, धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, तो कैसे डिकम्पोज होता है वो समझिए। मान लीजिए कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, काले काले रंग के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आकर के पानी में मिल गए, तो पानी के अंदर ऑलरेडी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर धीरे धीरे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और धीरे से फिर ये खत्म हो जाते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ग्रीन कलर से, ये ब्लैक कलर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको तोड़ना है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको तोड़ेंगे, लेकिन उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जितना ज़्यादा कचरा, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उतना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि हाइयर द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हाइयर इज द ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जितना ज़्यादा डिमांड होगा ऑक्सीजन का, उतना ही ज़्यादा कचरा है, एंड हाइयर इज द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। तो इस कारण से आप देखिए कि अगर किसी भी वाटर बॉडी का बीओडी 1 से 2 है तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। अगर 3 से 5 है तो फेयर है, 6 से 9 है तो पुअर है, 100 से ज़्यादा तो इट इज़ वेरी पुअर। इसको जो पिएगा, इसमें जो भी जाएगा, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब देखो हाल फिलहाल में मैंने जो भरालू रिवर से रिलेटेड एक केस स्टडी कवर किया था इन द डे बिफोर यस्टरडे न्यूज़ पेपर एनालिसिस, उसमें मैंने बताया था कि हमारे भरालू रिवर में कितना ज़्यादा कचरा हो चुका है, कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड इकट्ठा हो चुका है। इतना हो चुका है कि उसका लेवल बीओडी का पहुँच चुका है 55 mg/L। तो देखिए कितना ज़्यादा उसमें पॉल्यूशन बढ़ चुका है। समझिए कि ये जो कचरा है, ये ब्लैक कलर के ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब इनको डिकम्पोज करने के लिए इनके अंदर का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए। उतना ऑक्सीजन है ही नहीं इस पानी के अंदर, और जब ऑक्सीजन नहीं है तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, जब डिकम्पोज नहीं होगा तो वैसे ही पड़ा रहेगा। दैट इज लीडिंग टू मोर एंड मोर क्लॉगिंग ऑफ भरालू रिवर, एंड भरालू रिवर के लिए अगर अभी जल्दी कुछ नहीं किया गया तो इट विल बी वेरी सून डेड। इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल प्रीलिम्स टॉपिक्स फॉर अपकमिंग यूपीएससी टुडे वी विल कवर टॉपिक नंबर 271 to 275। टॉपिक नंबर 271 इज अबाउट लक्ष्य। सो लक्ष्य हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका पूरा फुल फॉर्म है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम एंड मेटर्निटी ऑपरेशन थिएटर्स इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 271। टॉपिक नंबर 272 इज अबाउट जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, स्टार्टेड इन 2011। इसका मेन पर्पस ये टू बेनिफिट प्रेग्नेंट वुमेन हु शुड गेट एक्सेस टू गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज फॉर डिलीवरी। मोर एवर इट मोटिवेट्स दोज हु स्टिल चूज टू डिलीवर एट होम्स टू ऑप्ट फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव इनिशिएटेड दिस स्कीम, एंड इन दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन अ व्यू ऑफ हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेज इनकर्ड बाई प्रेग्नेंट वुमेन एंड पेरेंट्स ऑफ सिक न्यू बॉर्न, एंड दैट इज वाई द इनिशिएटिव इंटाइटल्स ऑल प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरिंग इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस टू एब्सोल्यूटली फ्री एंड नो एक्सपेंसेज डिलीवरी इंक्लूडिंग सीजेरियन सेक्शन। तो अगर ऑपरेशन भी करके बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके लिए भी एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा लोगों से, अगर सरकारी अस्पताल में होता है। तो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 272। टॉपिक नंबर 273 इज अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2014।
between 2009 to 2013 immunization coverage increased only from 61% to 65%, मतलब हर साल खाली 1%। और इसी कारण से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को फास्ट करने के लिए ये मिशन इंद्रधनुष लाया गया, जिसमें टारगेट रखा गया कि देर विल बी फुल कवरेज बाई 2020। और इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसका दूसरा नाम है मिशन इंद्रधनुष, इसके अंदर जिन जिन बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन दी जाती है वो है ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, मेंजेनाइटिस एंड इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मिजल्स, रूबेला, जापानीज इंसेप्टलाइटिस, रोटा वायरस, डायरिया। रूबेला एंड जापानीज इंसेप्टलाइटिस, रोटा वायरस वैक्सीन आर गिवन ओनली इन सेलेक्ट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे इनके थ्रेट्स ज़्यादा हैं। अब ये 14 के 14 याद करने होंगे पीटी के लिए। अब इसमें कुछ भी एक्सक्यूज नहीं है, इसमें से कोई भी आ सकता है, इस तरह का सवाल आ सकता है, तो रटना होगा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तो रटना ही होगा। तो इस तरह का सवाल आ सकता है, प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। टॉपिक 274 इज अबाउट भारत के वीर। द प्रोग्राम द गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ ट्रस्ट टू भारत के वीर, विच इज अ प्राइवेट इनिशिएटिव विच एड्स फैमिली ऑफ पैरामिलिट्री पर्सनल किल्ड इन एक्शन। अक्षय कुमार एंड फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन पुलिला गोपीचंद हैव बीन इंक्लूडेड एज ट्रस्टीज। भारत के वीर एम्स टू इनेबल विलिंग डोनर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फैमिली ऑफ द ब्रेव हर्ट हु सैक्रिफाइस्ड हिज और हर लाइफ इन लाइन ऑफ ड्यूटी। कॉन्ट्रीब्यूशन टू भारत के वीर हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक 274। टॉपिक 275 इज अबाउट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इट इज अ स्कीम फॉर एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस। एलिजिबिलिटी इज फॉर पीपल फ्रॉम एज ग्रुप 18 to 70। प्रीमियम ₹12 पर एनम। पेमेंट मोड इज डायरेक्टली डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट एंड रिस्क कवरेज इज ₹2 lakh इन केस ऑफ डेथ। इसी से मिलता जुलता एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये लाइफ इंश्योरेंस कवर है, नाम से ही समझो जीवन ज्योति लाइफ इंश्योरेंस कवर। इसके लिए जो लोग एलिजिबल हैं, दैट इज एज ग्रुप ऑफ 18 to 50, इसके लिए प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है, ₹330 पर एनम। इसमें भी ऑटो डेबिट हो जाता है अकाउंट से, और इसमें भी रिस्क कवरेज है ₹2 lakh का। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 275। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 266 to 270 दैट वी आर गिवन इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। टुडेज क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड बाय students, and you can submit the answer in the comment section. We'll be sending answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने practice question दिया था उसका answer देख लेते हैं। Simultaneous election in independent India were held till 1967. Absolutely correct. In India we follow the concept of constructive vote for no confidence. No, this is wrong. So the correct answer is option A, one only. Which of the following statements are true regarding no confidence motion in India? There is no mention of no confidence motion in the Constitution of India. Absolutely correct. And no confidence motion can be introduced in Lok Sabha only, but not in Rajya Sabha. Absolutely correct. So the correct answer is option C, both. Cyber 2, it is an instrument that will be used to make an estimation of number of stars. Correct. It will give an exact number of stars. This is wrong. So the correct answer is option A, one only. That's all from our side for today. Thanks for watching.